फोर्थ सीक्रेट में मैंने आपको एक कहानी बताई थी उस लड़के की जो आत्महत्या करने जा रहा था, फिर उसने इंटरव्यूज लिए और उसने राज ढूंढ निकाला, एक्सीलेंट रिलेशनशिप। उस कहानी का पार्ट टू है। वो जो लड़के ने सभी सफल लोगों के इंटरव्यूज लिए, जो सारे सीक्रेट्स उसे पता चले, उसने ये सोचा कि इतने सारे सीक्रेट्स जब मेरे पास आ चुके हैं तो इसका क्या किया जाए। उसने क्या किया, उन सभी सीक्रेट्स की एक किताब बना दी। और उस किताब को जब उसने पूरा कंपाइल किया तो जिस लड़के की प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा था, उसी लड़के की ये किताब रातों रात हजारों कॉपियां बिकने लगी। और उस किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यस फ्रेंड्स, आपने भी ये किताब का नाम सुना है। लाखों कॉपियां वर्ल्ड में 40 से भी ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है ये किताब, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर इवन टुडे। जिस लड़के को कोई नहीं जानता था, उसको रातों रात पूरी दुनिया जानने लगी। ही इज नन अदर देन द वर्ल्ड फेमस ऑथर डेल कार्नेगी। यही डेल कार्नेगी ने कुछ सफलता पाने के बाद अपनी एक इंस्टीट्यूट खोली, और वो इंस्टीट्यूट थी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग उनसे सीखने के लिए आते थे पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट, और जानने आते थे वो सारे राज जो डेल कार्नेगी ने अपने अनुभव से सीखे थे। जब ये लोग उसकी इंस्टीट्यूट में आते थे, डेल कार्नेगी ने क्या किया, सबको एक सर्वे दिया कि आप लोग जब यहां पर इस इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखने आते थे, जरा बताइए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। जब लोगों को यह सर्वे दिया जाता था तो लोग सर्वे में पढ़ते, उस सर्वे में लिखा था कि आपको जिंदगी में टॉप मोस्ट क्या क्या चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। उसमें लिखा था गाड़ी, बंगला, इंपोर्टेड कपड़े, परफ्यूम्स, या फिर पोजीशन, पावर, सुंदर बीवी। ऐसे सबके अपने अपने जो प्रायोरिटीज होते हैं, वैसी बहुत सारी 15-20 चीजों की प्रायोरिटी का एक लिस्ट वहां पर दिया गया था। जब लोगों को यह लिस्ट भरने के लिए दिया गया था तो लोग, कुछ लोग प्रायोरिटी में लिखते थे मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ लोग लिखते थे मुझे बंगला चाहिए, कुछ लोग लिखते थे कि मुझे एक अच्छी पावर या पोजीशन पे मैं रहूं, ऐसा लोग लिखते थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वो प्रायोरिटी की लिस्ट में एक ऐसी चीज भी लिखी हुई थी जो मटेरियलिस्टिक नहीं थी, और वो प्रायोरिटी की आइटम थी द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू विल बी सरप्राइज टू नो फ्रेंड्स कि जब ये सर्वे लोगों को भरने के लिए दिया गया था, और जब वो सर्वे भर के वापस आया, मोर देन 60% पीपल गेव द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सरप्राइज ना कि ऐसा क्यों। जब उन लोगों से पूछा गया कि क्यों पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो मेजोरिटी लोगों ने यह जवाब दिया कि अगर आपके पास ये हुनर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो ये बाकी सारी चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, पावर, पोजीशन, सुंदर बीबी, ये सब अपने आप लाइफ में आ जाता है। यानी कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एंड दैट इज सीक्रेट नंबर 6।